सदियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम आपको एक शानदार खूबसूरत घर का जो है वॉक थ्रू दिखाना चाहते हैं, जो ये बना हुआ है भवानी नगर, भवानी हाईटेक सिटी भवानी नगर में। एंड ये जो 30x40 फीट में बना हुआ डुप्लेक्स घर का जो है वॉक थ्रू आपको दिखा रहा हूँ। बहुत ही सुंदर घर है, ऐसा घर आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। ये डुप्लेक्स हाउस है, इसीलिए देखने का हो या फिर जो लुक है इसका, पैटर्न, बाहर की तरफ का जो एलिवेशन डिज़ाइन एकदम A1 है, जैसा यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं। और यहाँ पर आते हैं, स्टार्टिंग में आपको पार्किंग एरिया मिल जाता, पार्किंग का साइज़ आपको एक कार आप आराम से बिठा सकते हैं, उतना सफिशिएंट जगह है यहाँ पर। और पीछे की तरफ जो है गैलरी सराउंडिंग एरिया में जगह दी गई है, पूरा फुल सराउंडिंग में। यहाँ पर ये आ जाता है आपका एलिवेशन टाइल्स का डिज़ाइन, और उधर जो है आपको फिरने के लिए जगह मिल जाता। ऊपर जो है सीलिंग का पैटर्न भी बनाया गया। अब हम चलते हैं सीधा घर की तरफ, और ऊपर चढ़ाई करने के लिए इधर स्टेप्स दिया हुआ है इस तरह का। अब यहाँ से देखिएगा, ये आ गया आपका मेन एंट्रेंस, घर के अंदर एंट्रेंस हो गया आप लोग। इधर जो है आपको हॉल के लिए जगह मिल रहा है, हॉल का साइज़ आपको 12x20 फीट तक मिल रहा है। सामने की तरफ स्टेयरकेस के लिए जगह, और नॉर्थ की तरफ एक विंडो 4x4 फीट, एंड ऊपर सीलिंग का पैटर्न देख लीजिएगा, इस तरह से सीलिंग आपको दिखाई देगा। अब मैं आपको दूसरा एंगल से दिखाता हूँ, देख लीजिए। यहाँ पर देख लीजिएगा, ये आपको ऊपर की तरफ जो है सीलिंग आप देख रहे हैं, और फिर उसके बाद यहाँ पर स्टेप्स आ रहे हैं, ये नीचे की तरफ तो स्टोरेज के लिए आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम चलते हैं सीधा पूजा रूम किचन की तरफ। यहाँ पर देखिएगा, ये पूजा रूम और किचन कम डाइनिंग एरिया में आ जाते हैं आप लोग। किचन कम डाइनिंग एरिया, यहाँ पर जो आता है आपका पूजा रूम एरिया। ओके, किचन का साइज़ आपको टोटल में बता रहा हूँ मैं, इंक्लूडिंग पूजा रूम, विड्थ में जो है 12 फीट मिल जाएगा, लेंथ में आपको 20 फीट तक जगह मिल जाता है। और आपकी सेम जो है राइट की तरफ है ना, एक बाथरूम आ रहा है और फिर एक बेडरूम। और पीछे जाने के लिए भी यहाँ पर यूटिलिटी के लिए भी जगह मिल रहा है इस तरह का। ओके, अब हम दोबारा चलते हैं बेडरूम की तरफ और टॉयलेट रूम। यहाँ पर ये जो देख रहे हैं ना व्यूअर्स, ये आपका टॉयलेट रूम, टाइल का पैटर्न में काफ़ी सिंपल और डिसेंट टाइल्स यूज़ किया गया। यह आ जाएगा आपका और एक बेडरूम एरिया, जिसका साइज़ 12x14 फीट स्टैंडर्ड साइज़ है। अब हम दोबारा चलते हैं बाहर की तरफ, दोबारा हॉल के अंदर चलते हैं, हॉल से फिर एंटर करते हैं आप लोग। अब हम चलते हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ। टाइल्स फर्स्ट फ्लोर में देखिएगा, जितना आपका नीचे हॉल है देखो और पार्किंग एरिया, उतना जो है पूरा कवर अप करके खुला रखा गया। ये जो प्लेस है आप लोग इवनिंग व्यू के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर भी सीलिंग का पैटर्न देख लो, और फिर इधर से चलते और एक बेडरूम में। यह आ गया आपका बेडरूम एरिया, ओके। ये बाथरूम आपको मिल रहा है 4x8 फीट में, बालकोनी। एंड यहाँ पर जो मिल रहा है आपका ये वाला बेडरूम, विड्थ में आपको 12 फीट मिल जाएगा, लेंथ में 14 फीट, मोस्ट सफिशिएंट स्पेस बेडरूम विद बालकोनी एरिया।
ऊपर सीलिंग पैटर्न, और ये बाथरूम अटैच्ड हॉट एंड बाथ। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप नए हैं चैनल पर प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल को सपोर्ट करते रहना इसी तरह से। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, थैंक यू सो मच।